सेंट्रल कॉनिकॉइड देख रहे हैं अपन, सेंटर थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर टॉपिक है सेंट्रल कॉनिकॉइड। उसी के अंदर अपन ने कल तक नियामक गोला वाला लास्ट टॉपिक देखा था, उससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसी के आगे आज अपन देखते हैं नॉर्मल ऑफ ए कॉनिकॉइड, नॉर्मल ऑफ ए कॉनिकॉइड सेंट्रल कॉनिकॉइड के अभिलंब। ठीक है, सेंट्रल कॉनिकॉइड के अभिलंब। तो सबसे पहले अभिलंब की डेफिनेशन क्या है? किसी भी सेंट्रल कॉनिकॉइड, किसी सेंट्रल कॉनिकॉइड के किसी बिंदु पर अभिलंब, वो रेखा है जो कि सेंट्रल कॉनिकॉइड के स्पर्श तल के परपेंडिकुलर, सेंट्रल कॉनिकॉइड के जो स्पर्श तल है, उस सेंट्रल कॉनिकॉइड का जो स्पर्श तल है, उस स्पर्श तल के परपेंडिकुलर जो लाइन है वो क्या कहलाएगी? उस कॉनिकॉइड का नॉर्मल। ठीक है, उस कॉनिकॉइड का नॉर्मल कहलाएगा स्पर्श तल के अभिलंब। स्पर्श तल के परपेंडिकुलर जो लाइन है वो उस सेंट्रल कॉनिकॉइड का अभिलंब कहलाएगा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन। अब है सेंट्रल कॉनिकॉइड की इक्वेशन, इसके बाद है इक्वेशन। सेंट्रल कॉनिकॉइड के अंदर आपको एक दीर्घवृत्त दे रखा है, एक दीर्घवृत्त दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है अल्फा बीटा गामा। उस पॉइंट पर उस सेंट्रल कॉनिकॉइड के इस दीर्घवृत्त के अभिलंब की समीकरण निकालिए। अल्फा बीटा गामा पॉइंट पर दीर्घवृत्त के अभिलंब का समीकरण निकालना। ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट है एक्स वन वाई वन जेड वन। इस पॉइंट पर इस सेंट्रल कॉनिकॉइड या दीर्घवृत्त के स्पर्श तल का समीकरण क्या होगा? एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड जेड वन अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू वन। ये क्या है? इस पॉइंट पर इस दीर्घवृत्त के स्पर्श तल का, है ना, स्पर्श तल का समीकरण। ठीक है, इस समीकरण से स्पर्श तल के अभिलंब, इस समीकरण से स्पर्श तल के समीकरण से स्पर्श तल के अभिलंब, है ना, के परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगी? x1 अपॉन a स्क्वायर, y1 अपॉन b स्क्वायर और z1 अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, इस समीकरण से, ठीक है ना, इस समीकरण से स्पर्श तल के अभिलंब की डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? x1 अपॉन a स्क्वायर, y1 अपॉन b स्क्वायर, z1 अपॉन c स्क्वायर। इसका मतलब अभिलंब का समीकरण क्या होगा? अभिलंब का समीकरण क्या होगा? x माइनस x डैश अपॉन, सॉरी, x1 अपॉन a स्क्वायर, y माइनस y1 अपॉन b स्क्वायर और z माइनस z1 अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया? अभिलंब का समीकरण। ठीक है, दोबारा देखें, ये एक दीर्घवृत्त है, इस दीर्घवृत्त के इस पॉइंट पर स्पर्श समतल का समीकरण क्या होगा? ये इस स्पर्श तल के समीकरण से क्या पता चलता है कि इसके स्पर्श तल के अभिलंब के डायरेक्शन रेशियो क्या है? x1 अपॉन a स्क्वायर, y1 अपॉन b स्क्वायर, z1 अपॉन c स्क्वायर। इसका मतलब है अभिलंब का समीकरण क्या होगा? x माइनस x1 अपॉन a स्क्वायर। ये, ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा? इसके अभिलंब का समीकरण। अगर अभिलंब का समीकरण डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना, डायरेक्शन कोसाइन दी कोज्जाओं के पदों में अभिलंब का समीकरण निकाल रहा हूं, डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइन के पदों में, ठीक है, निकाल रहा हूं, तो क्या होगा? मान लीजिए कि ये दीर्घवृत्त है, इस दीर्घवृत्त पर के मूल बिंदु से, इस दीर्घवृत्त के मूल बिंदु से इसके स्पर्श तल पर डाले गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई कितनी होगी? वन अपॉन, मूल बिंदु से डाला एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जेड वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है ना, यही होगी ना, फोर, सॉरी, डबल स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगी?
ये क्या है आपके पास, जो भी सेंट्रल कॉनिकॉइड का स्पर्श तल है उस स्पर्श तल पर सेंट्रल कॉनिकॉइड के मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या आएगा, यहाँ पर दोनों तरफ का स्क्वायर करके ये इधर आ जाएगा, तो x1 स्क्वायर अपॉन a4 y1 स्क्वायर अपॉन b4 z1 स्क्वायर अपॉन c4 इक्वल टू 1 अपॉन p स्क्वायर। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो अपन इसको लिख सकते हैं px1 अपॉन a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस py1 अपॉन b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस pz1 अपॉन c स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं। ये रिजल्ट क्या शो करता है कि अगर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1, ये रिजल्ट क्या है, डायरेक्शन कोसाइन अगर lmn हो तो इन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। यहां पर भी ये प्लस ये का स्क्वायर 1 है, इसका मतलब है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगी, px1 अपॉन a स्क्वायर py1 अपॉन b स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगी, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, और pz1 अपॉन c स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। तो अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन के संदर्भ में, x माइनस x1 अपॉन px1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू py माइनस y1 अपॉन px1 अपॉन b स्क्वायर और इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन pz1 अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइन के संदर्भ में, डायरेक्शन कोसाइन के रेस्पेक्ट में आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल की इक्वेशन, डायरेक्शन कोसाइन के संदर्भ में नॉर्मल की इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्शन कोसाइन आ गया इस रिजल्ट से। इसलिए और देखिए आगे, इसी के आगे इसके बाद एक और रिजल्ट है कि बाह्य बिंदु से है ना, दीर्घवृत्त पर बाह्य बिंदु से डाले गए अभिलंबों की संख्या, दीर्घवृत्त पर बाह्य बिंदु से डाले गए अभिलंबों की संख्या उसके ऊपर है कि दीर्घवृत्त पर बाह्य बिंदु से डाले गए अभिलंबों की संख्या। ठीक है, उसको देखिए, दीर्घवृत्त पर बाह्य बिंदु से डाले गए अभिलंबों की संख्या, इसके ऊपर एक रिजल्ट है कि बाह्य बिंदु से दीर्घवृत्त पर सामान्यतः 6 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। दीर्घवृत्त पर बाह्य बिंदु से खींचे गए अभिलंबों की संख्या, ठीक है, और उसके आगे रिजल्ट है कि एक बिंदु अल्फा बीटा गामा से x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू 1, दीर्घवृत्त पर बाहरी बिंदु से 6 अभिलंब खींच सकते हैं। ठीक है, 6 अभिलंब खींच सकते हैं, ये लिखा है कि एक बाहरी बिंदु से दीर्घवृत्त पर 6 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। मान लीजिए एक बिंदु है x1 y1 z1 दीर्घवृत्त पर, इस बिंदु पर इस दीर्घवृत्त के लिए स्पर्श समतल का समीकरण क्या है, x माइनस x1 अपॉन x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है ना, y माइनस y1 अभी देखा था अपन ने, y1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर x1 अपॉन a इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z1 माइनस c। ठीक है, अभी अपन ने देखा था कि दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु है, उस बिंदु पर इस दीर्घवृत्त के स्पर्श समतल का समीकरण है ना, ये आ जाएगा। यदि ये स्पर्श समतल बाह्य बिंदु अल्फा बीटा गामा से गुजरता है तो अल्फा माइनस x1 x1 अपॉन a स्क्वायर बीटा माइनस y1 अपॉन y1 अपॉन b स्क्वायर गामा अपॉन z1 z1 अपॉन c स्क्वायर। अगर ये आपका स्पर्श समतल बाहरी बिंदु से गुजरता है तो इसका क्या होगा, इसको अगर अपन लैम्डा के बराबर मान ले,
ठीक है, लैम्डा के बराबर मान लो, मैं डायरेक्ट इसके मान लिख देता हूँ, अल्फा का मान कितना आएगा इसको सॉल्व करने पर, ए स्क्वायर अल्फा अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, बीटा का मान कितना आएगा बी स्क्वायर बीटा अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, और गामा का मान कितना आएगा सी स्क्वायर गामा, ठीक है ना, सी स्क्वायर गामा अपॉन सॉरी एस सॉरी एक्स एक्स वन सॉरी वाई वन और जेड, सी स्क्वायर गामा सी स्क्वायर प्लस गामा। अगर भारे बिंदु से इस दीर्घवृत्त पर स्पर्श समतल का समीकरण ये हो, ठीक है ना, तो ये स्पर्श समतल अगर भारे बिंदु अल्फा बीटा गामा से गुजरता है तब अल्फा बीटा गामा इसको सेटिस्फाइड करेगा। इसको अगर सॉल्व करें x1 y1 और z1 का मान निकालें तो वो ये आएगा। अब ये बिंदु x1 y1 z1 दीर्घवृत्त पे भी है तो x1 square upon a square इसको भी satisfied करेगा, y1 square upon b square, z1 square upon c square equal to 1। अब ये मान x1 का मान यहाँ पर रख दें, ठीक है, तो क्या आएगा कि x1 square का मतलब a की power 4 alpha square, a square इससे cancel हो जाएगा, तो a square alpha square upon a square plus lambda का square plus b square beta square अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू वन, इक्वल टू वन। ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये लैम्डा के अंदर एक सिक्स घातीय इक्वेशन है, इससे लैम्डा के छह मान प्राप्त होंगे, इससे लैम्डा के छह मान प्राप्त होंगे। इसका मतलब है अगर इससे लैम्डा के छह मान प्राप्त होंगे तो इन छह मानों से आपके पास x1 y1 z1 के भी छह मान प्राप्त होंगे, x1 y1 z1 से भी के भी आपको छह मान प्राप्त होंगे। इसका मतलब है कि आप x यहां पर छह अभिलंब खींच सकते हो जो कि अल्फा बीटा गामा से गुजरते हैं। दूसरे शब्दों में अल्फा बीटा गामा से दीर्घवृत्त पर छह अभिलंब खींचे जा सकते, ठीक है, क्योंकि लैम्डा के छह मान प्राप्त हुए, इन छह मानों से दीर्घवृत्त पर छह बिंदु प्राप्त होंगे, x1 y1 z1 का अलग अलग मान आएगा, छह बिंदु प्राप्त होंगे, उन छह बिंदु से अभिलंब खींचा हुआ है और वो इस बिंदु से गुजरेगा। इसका मतलब है कि अल्फा बीटा गामा से दीर्घवृत्त पर अपन छह अभिलंब खींच सकते हैं, भारी बिंदु से दीर्घवृत्त पर छह अभिलंब खींच सकते, ठीक है, इतना ही, आगे अपन अगले टर्म में देखेंगे।